Mafia! Boom 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 Mafia! लेकिन जो जिन लोगों को वहाँ पे जमीन अलॉट हुई है उनको अभी तक वहाँ पे जो है रहने की जो है अनुमति कार्यकर्ता और उनके प्रधान पॉलिटिकल पार्टियों के नेता उनका समर्थन करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर इसको भी नहीं मानते। ये कोर्ट ऑर्डर है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया और वहाँ पर काले कपड़े पहन करके कुछ लोग वहाँ बैठ करके कोर्ट के ऑर्डर को भी अवहेलना करने का प्रयास करना चाहते हैं। अरे राजनीतिक पार्टियों से कहना चाहता हूँ, ओपनली भू माफिया का समर्थन, वहाँ टेंट लगा करके भू माफिया का समर्थन, एक परिवार की सिर्फ वहाँ राज है, कोई गुज्जर नहीं है, एक परिवार है और उस परिवार को लेकर के गुज्जर गुज्जर गुज्जर, चाहे वो भू माफिया गुज्जर होगा, हिंदू होगा, मुसलमान होगा, सिख होगा, भू माफिया उसको किसी के साथ जोड़ने का प्रयास करना सरासर गलत है। और ये जो राजनीतिक पार्टियों को कभी मूला राम जी जा रहे हैं, कभी मीर साहब जा रहे हैं और वो जा करके वहाँ एक हिंदू मुसलमान का फसाद बनाने का प्रयास करना चाहते हैं। मैं वो जो JDA के लोग हैं, VC JDA, उसके बाद में कमिश्नर JDA हाउसिंग, और उन लोगों की मेहनत के साथ 40 कनाल जमीन जो खाली हुई है उसमें से थोड़ा टुकड़ा रह गया, मैं कहना चाहता हूँ 2016 से लेकर के 2021 तक 22 तक किसी ने वो जगह खाली कराने का प्रयास नहीं करा, जब भी हुआ राजनीति हुई। अरे अलाटमेंट ऑर्डर के बाद भी महबूबा मुफ्ती ने अलाटमेंट उसके कार्यकाल के अंदर हुई, JDA ने अलाट करा, लेकिन फिर राजनीति के माध्यम से हिंदू मुसलमान फसाद बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं चेतावनी देना चाहता हूँ नेताओं को, अरे कोई भी नेता, चाहे कांग्रेस वाला है, चाहे पैंथर पार्टी वाला है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला है या PDP वाला है, अरे तुम्हारे घरों का घेराव करूंगा, तुमको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुमको भू माफिया का वोट चाहिए, तुमको भू माफिया वाले चाहिए, तुमको गुज्जर चाहिए, अरे सारे गुज्जर वो नहीं है, एक व्यक्ति गुज्जर होने से सारे गुज्जर समुदाय को उसके अंदर शामिल करना गलत होगा, ये गुज्जर समुदाय को गाली देने के समान होगा।